हेलो एवरी वन एंड वेरी वॉम वेलकम टू शिक्षा सो गाइज दिस इज द लेक्चर फॉर करेंट अफेयर्स एंड डेवलपमेंट इज टेन इम्पोर्टेंट एम सी क्यूज इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एंड के लिए मैं आपको एक बात बता दूँ कि पहले सारे एम सी क्यू ट्राई करने हैं आपने अगर देखना है कि लास्ट में दस में से कितने सही हुए कितने गलत हुए कितने छोड़े तभी अपने को एक आइडिया लगेगा ना कि अपनी प्रिपरेशन किस लेवल की है अब एंड कई सी क्यू कॉम्बो कोर्स बार बार बोल रहा हूँ हर लेक्चर के अंदर बोल रहा हूँ ये कोर्स आपने लेना है अभी इसके ऊपर यूपीएससी पी एफ ओ कोड यूज करेंगे आप अगर आपके पास पैसे नहीं है भरने के लिए जिन बच्चों के पास पैसे नहीं है वो मुझे व्हाट्सएप करेंगे उनको भी ये कोर्स एक्सेस मैं कराऊंगा डो नॉट वरी लेकिन जेन्यन होना चाहिए देखो मैं कोई आपसे आपके सर्टिफिकेट नहीं मांगने वाला हूँ कि सर्टिफिकेट दो कि तुम्हारे पास रिसोर्सेज नहीं पे करने के लिए आई जस्ट बी बिलीविंग ऑन योर वर्ड कि हाँ सर नहीं है हमारे पास ठीक है नो क्वेश्चन आस्क तो अल्टीमेटली प्लीज़ वो uh, फ्रॉजरी वाली चीज़ें ना करें जो लोग पे कर सकते हैं वो पे करें एंड जो लोग पे नहीं कर सकते वो व्हाट्सएप मुझे करें बट ये कोर्स ज़रूर एक्सेस करें एंड पीडीएफ डी फाइल्स इसके अंदर आपको मिल जाती हैं अलग से अगर आप सिर्फ पीडीएफ फाइल्स चाहते हो तो उसके लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है फटाफट से पहले क्वेश्चन के ऊपर आ जाएंगे पहला क्वेश्चन है ग्रीन वॉशिंग से रिलेटेड ये ना न्यूज़पेपर के अंदर काफ़ी आया था वाले सेक्शन के अंदर इसको काफ़ी डिस्कस किया गया था और लॉ मेकिंग के अंदर भी काफी ज़्यादा इसके अंदर डिस्कशंस हुए थे पार्लियामेंट वगैरह में तो इससे इसके ऊपर क्वेश्चन है पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि ये एक तरह का मार्केटिंग टेक्टिक है जो इंडस्ट्री यूज करती है अपने स्टेक होल्डर्स यानी कि कस्टमर्स या जो भी उसके स्टेक होल्डर्स हैं उनको मिसलीड करने के लिए प्रोडक्ट जो है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है ठीक है दूसरा इंडिया के पास अभी कोई ऐसा लॉ नहीं है जो ग्रीन वॉशिंग के इशू को एड्रेस कर सके तीसरा इशू ऑफ ग्रीन वॉशिंग इज इन द क्योटो प्रोटोकॉल में इसको एड्रेस किया गया है तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है तो देखो दोस्तों इसके अंदर जो आपका पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है तो ऑप्शन सी तो वैसे ही हट गया उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट जो है वो गलत है ग्रीन वॉशिंग का जो इशू है वो क्योटो प्रोटोकॉल ने भी एड्रेस नहीं किया है तो ऑप्शन थ्री आपका गलत है तो आंसर आपका ऑप्शन ए बचता है वन एंड टू ओनली देखो ग्रीन वॉशिंग होता यही है बेसिकली जो इंडस्ट्री है ना वो क्या करेगी जैसे प्र... आजकल क्या होता है प्रोडक्ट्स के ऊपर मार्किंग होती है ठीक है कि भाई ये प्रोडक्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और बहुत से लोग हैं जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को यूज़ करना पसंद करते हैं ठीक है जहाँ पे बेसिकली फॉर एग्जांपल प्लास्टिक का यूज ना हुआ हो या जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इस टाइप की हो जिसके अंदर इन्वायरमेंट के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो रहा हो है ना लेकिन कई लोग क्या करते हैं दो देयर प्रोडक्ट इज नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली बट टू इंक्रीज देयर सेल बट टू इम्प्रूव देयर इमेज इन फ्रंट ऑफ द कंज्यूमर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स वो क्या करेंगे उसके ऊपर इन्वायरमेंट फ्रेंडली का लोगो लगा देंगे वो तो बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग एक तरह का धोखेबाजी होती है तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दूसरा स्टेटमेंट भी सही है इंडिया के पास अभी तक कोई कानून नहीं है वॉशिंग के इशू को एड्रेस करने के ओके तो ग्रीन वॉशिंग कॉमनली यूज टू इंडिकेट डिसिप्टिव धोखाधड़ी मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग टेक्टिक्स एनवायरमेंट फ्रेंडली दिखा देते हैं अपने प्रोडक्ट्स को पब्लिक को कंफ्यूज करने के लिए मैनिपुलेट करने के लिए इंडिया के पास कोई कानून नहीं ना ही क्योटो प्रोटोकॉल ने वॉशिंग के इशू को डील किया नेक्स्ट क्वेश्चन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन याद रखना है इसमें से क्वेश्चन पूछे जाने के काफी हाई चांसेस हैं आपके एओयू में या ए में काफी हाई चांसेस हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ द ट्वेंटी सेकेंड लॉ कमीशन ऑफ इंडिया चार साल बाद ये अपॉइंटमेंट हुई है दो में होनी थी लेकिन पेंडिंग चल रही थी काफी टाइम से ट्वेंटी सेकंड लॉ कमीशन के लिए किसको चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया जस्टिस एम जगन्नाथा राव बी जस्टिस ऋतुराज अवस्थी सी जस्टिस बी एस चौहान डी जस्टिस डी के जैन तो यहाँ पर जो आपका राइट right आंसर है दोस्तों दैट इज ऑप्शन डी जस्टिस जस्टिस ऋतुराज ऋतुराज अवस्थी रितुराज अवस्थी को चेयरपर्सन बनाया गया है ट्वेंटी सेकेंड लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का तो इंपॉर्टेंट फैक्ट जो इसके अंदर आपने ध्यान में रखने हैं वो क्या है एक तो ट्वेंटी सेकेंड लॉ कमीशन है ये ध्यान में रखना है कि ट्वेंटी सेकेंड लॉ कमीशन ट्वेंटी फोर्थ फेबर ट्वेंटी ट्वेंटी को नोटिफाई कर दिया गया था लेकिन चेयरपर्सन अब जाकर के अपॉइंट हुआ है जस्टिस ऋतुराज अवस्थी जो है इसके चेयरपर्सन रहेंगे और चेयरपर्सन के अलावा इसके अंदर चार और मेंबर्स होते हैं जस्टिस ऋतुराज अवस्थी जो हैं ये कर्नाटका हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस जो हैं वो रह चुके हैं रिटायर्ड हैं बेसिकली इस कमीशन का जो टेन्योर होगा वो थ्री ईयर्स होगा फ्रॉम द डेट जब ये नोटिफिकेशन पब्लिश हुई उससे थ्री ईयर्स का जो है टेन्योर रहेगा ट्वेंटी सेकेंड लॉ कमीशन वेकेंड था जब बी एस चौहान टू थाउजेंड एटीन में रिटायर हुए, उसके बाद से ट्वेंटी लॉ कमीशन एक नॉन स्टैटूटरी बॉडी है पहली बार कॉन्स्टिट्यूट किया गया था ठीक है बेसिकली इसका काम क्या होता है फील्ड ऑफ लॉ के अंदर वेरियस रिसर्च को ये कैरी आउट करता है तो ट्वेंटी लॉ कमीशन जस्टिस ऋतुराज अवस्थी

ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इनिशिएटिव है तीसरा करंट चेयरपर्सन है सी आई टी का, जो है, भारत का है तो इसलिए इसके अंदर ऑप्शन जो तो है ये तो बिल्कुल गलत है और अपने से यही पूछा है कि कौन सा गलत है तो गलत है तो मतलब ए नहीं हो सकता सी नहीं हो सकता बचता है बी और डी अभी देखो सी जो है ये अप्रूव ही नहीं हुआ है ठीक है ये अप्रूव ही नहीं हुआ है तो जाहिर सी बात है चेयरपर्सन वगैरह होने की तो बात ही नहीं आती तो थर्ड स्टेटमेंट भी गलत हो गया ठीक है और फर्स्ट स्टेटमेंट भी आपका गलत है ठीक है तो तीनों स्टेटमेंट्स आपके इनकरेक्ट हैं, आंसर हो जाएगा डी सी के बारे में देखें नाइनटीन में इंडिया ने ये प्रपोज किया था जो सी है यू के सामने एंड इसमें इन्होंने बोला कि कोई गुड टेररिज्म कोई बैड टेररिज्म नहीं होना चाहिए इंडिया ने बोला एक कॉमन डेफिनेशन होनी चाहिए टेररिज्म को जो पूरी दुनिया अडॉप्ट करे अभी क्या है ना टेररिज्म की डेफिनेशन हर जगह पर अलग है एक देश में एक पर्टिकुलर एक्ट कैन बी एक्ट ऑफ टेररिज्म दूसरे देश में हो सकता है कि वो टेररिज्म के डेफिनेशन में ही ना आता हो तो इंडिया ने क्या बोला एक कॉमन डेफिनेशन होनी चाहिए टेररिज्म की आप हर तरह के इंटरनेशनल टेररिज्म को क्रिमिनलाइज करें ठीक है जो टेररिस्ट हैं जो उनके फाइनेंसर्स हैं जो उनके फंड्स सपोर्ट करते हैं आर्म्स हैं सेफ हैं ताकि वहाँ उनको छुपने के लिए कोई छत ना मिले बेसिकली ठीक है और करंटली अभी तक ये यू के अंदर पास नहीं हुआ है जो सी है और पास होने का रीज़न क्या है जो अरब कंट्रीज हैं वो क्या कहती हैं कहती हैं कि जो नेशनल लिब्रेशन स्ट्रगल्स हैं या जो स्टेट नेशनल लिबरेशन स्ट्रगल जैसे पैलेस्टाइन का जो स्ट्रगल चल रहा है या फॉर एग्जांपल उसके लिए कश्मीर का ही स्ट्रगल ले लो कि भाई कश्मीर में जो स्ट्रगल चल रहा है उसको तुम टेररिज्म की डेफिनेशन से बाहर रखो ठीक है एंड स्टेट टेररिज्म को इंक्लूड करो कि भाई जहाँ पर सरकारी सरकार की फौज जैसे फॉर एग्जाम्पल वो यहाँ पर बोल सकते हैं कि यार इंडिया कश्मीर में जा के जो कर रहा है वो बोल देंगे ना वो क्योंकि अरब तो कहीं ना कहीं काफी अरब कंट्रीज ने पाकिस्तान के साथ भी सपोर्ट किया है कश्मीर इशू के ऊपर तो इसी वजह से ये यहाँ पर कंफ्लिक्ट अटका हुआ है इसराइल फेलेस्टीन का एग्जाम्पल ले लो फोर्थ क्वेश्चन सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन है पहला स्टेटमेंट है कि ये एक वासी जुडिशल बॉडी है जो रेगुलेट एंड मॉनिटर करती है ग्राउंड वाटर यूज को कंट्री में डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल वाटर कमीशन मिनिस्ट्री ऑफ जलशक्ति के अंडर आता है एंड इसने एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवेल ऑर्गेनाइजेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर काम करती थी उसको बेसिकली रिप्लेस किया है तीन स्टेटमेंट्स आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है करेक्ट आंसर यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन है थ्री ओनली ठीक है बाकी दोनों स्टेटमेंट्स तो आपके इनकरेक्ट हैं सोल्यूशन देखते हैं तो सबसे पहले तो देखो जी ये डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुवेशन के अंदर आता है यहाँ पर आपका डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल वाटर कमीशन लिखा था तो डिपार्टमेंट गलत है ठीक है है तो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बट डिपार्टमेंट गलत था ठीक है जी उसके बाद नेशनल एपेक्स एजेंसी है जिसके पास बेसिकली क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि साइंटिफिक uh, वे में देखेगी कैसे बेटर एक्सप्लोर किया जा सकता है वाटर रिसोर्सेज को मॉनिटर उनको एसेस करना उनको रेगुलेट करना सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड को 1970 में इस्टैब्लिश किया गया था उससे पहले एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवेल ऑर्गेनाइजेशन होता था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर उसको रीनेम कर दिया गया था और मिनिस्ट्री भी चेंज कर दी गई थी ठीक है ग्राउंड वाटर विंग जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया नाइनटीन को भी इसमें मर्ज कर दिया गया था और ये कोई क्वेश्चि जुडिशियल बॉडी नहीं है ये स्ट्रिक्टली एक एडमिनिस्ट्रेटिव और साइंटिफिक रिसर्च बॉडी है फिफ्थ स्कीम इसको अच्छे से करके जाना क्वेश्चन आने के काफी हाई चांसेस हैं पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट है टू इस्टिश क्लियर ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी क्लियर ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इन रूरल इनहेबिटेड एरियाज़ बाय मैपिंग ऑफ लैंड पार्सल्स अच्छा जी क्लियर ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी को कर सकते हैं प्रॉपर एक मैपिंग uh, करेंगे और वो सब सेंट्रल सेक्टर स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए वन ओनली ठीक है है सिर्फ पहला स्टेटमेंट करेक्ट मिनिस्ट्री का थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मिनिस्ट्री गलत पर पंचायती राज की मिनिस्ट्री आएगी यहाँ पर तो स्कीम का फुल नेम है सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग एंड इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया है लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंदर इसीलिए हमारी वो स्टेटमेंट गलत हो गई थी पंचायती राज डे पे प्रधानमंत्री ने इसको इनोग्रेट किया था म का एम क्या है कि भैया प्रॉपर मैपिंग हो लैंड्स की रूरल एरियाज के अंदर ताकि क्लियर ओनरशिप इस्टैब्लिश किया जा सके रूरल एरियाज में भी बड़ी कंफ्लिक्ट होते हैं लैंड को लेकर के वही पान सिंह तोमर वाले काम होते हैं वहां पर ठीक है तो क्लियर ओनरशिप इस्टेबलिश की जाएगी और एरियाज की मैपिंग टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा ड्रोन टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा ओके एंड जो भी रिकॉर्ड्स हैं ऑलरेडी विलेज हाउस होल्ड ओनर्स के पास उनको भी इसमें कंसिडर किया जाएगा एंड इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज स्टेट

ऑप्शन टू कहता है हंड्रेड एंड थर्ड अमेंडमेंट एक्सप्लिस ई डब्ल्यू एस रिजर्वेशन भैया इंडिविजुअल्स जो एस सी एस टी ओ बी सी कटेगरी के अंदर हैं ऑलरेडी उनको ई डब्ल्यू एस से हटा दिया ऑप्शन थ्री कहता है वर्टिकल रिजर्वेशन इज एप्लीकेबल टू कैटेगरी सच एज वुमेन पीपल विद डिसेबिलिटी डोमिस इट एक्स्ट्रा मुश्किल क्वेश्चन है ये सिविल सर्विसेज के लेवल का क्वेश्चन है बट मैंने आपको कहा था ना हमें एक बैलेंस बना करके चलना है कुछ क्वेश्चन के अंदर हमें थोड़ा सा हाई लेवल भी देखना है

हॉरिजन्टल रिजर्वेशन क्या होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंदर आप किसी पर्टिकुलर सिर्फ सोशल ग्रुप को रिजर्वेशन नहीं दे रहे हो ठीक है अब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंदर फॉर एग्जांपल आ जाता है आपका कि भाई आप वुमेन को रिजर्वेशन दे रहे हो पीपल विद डिसेबिलिटी को रिजर्वेशन दे रहे हो या एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोगों को रिजर्वेशन दे रहे हो ठीक है तो वो आप एक पर्टिकुलर सोशल ग्रुप को नहीं दे रहे तो वर्टिकली सोशल ग्रुप एंड हॉरिजोंटल जो है वो सोशल ग्रुप्स को कट कर रही है ना ठीक है जब आप वुमेन को रिजर्वेशन दे रहे हो तो अंदर आप ये नहीं देख कैटेगरी है जनरल कैटेगरी है, 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 है।, तो uh, है उसमें क्या बोला हंड्रेड एंड थर्ड अमेंडमेंट एक्ट ने ना जो वर्टिकल रिजर्वेशन है ना उसको रीडिफाइन कर दिया इसने इसको क्या बोला कि यार जो हेरिडेटरी सोशल ग्रुप आइडेंटिटी है जैसे कास्ट और ट्राइब उसके अलावा एक और बेस के ऊपर हम रिजर्वेशन देंगे वो हो गया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ठीक है तो ये सो, हेरीडेटरी सोशल ग्रुप के बेस पे नहीं हुई जो ईडब्ल्यू एस आई ये कोई हेरिडेटरी सोशल ग्रुप नहीं है ये इकोनॉमी के ऊपर है तो इसको हमने वर्टिकल रिजर्वेशन के अंदर डाल दिया अब हमने क्या बोला कि यार ये जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है ना ये एक ट्रांजिएंट है जैसे अगर कास्ट है कास्ट तो आपकी वही रहेगी ना कास्ट तो बदलेगी नहीं कास्ट तो जिस कास्ट में आपका जन्म हुआ है आपकी कास्ट वही रहेगी आपके मरने तक वही कास्ट रहेगी लेकिन जो ईडब्ल्यू एस है, है एक, एक, एक इकोनॉमिकली आज 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 खराब, खराब है कल को रिच हो गया है ना तो ईडब्ल्यू एस स्टेटस तो ट्रांसेंट है चेंज हो सकता है आदमी इसके अंदर आ भी सकता है इससे निकल भी सकता है बट सोशल ग्रुप्स जो है वो परमानेंट मेकर्स हैं ठीक है अब प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि एक इंडिविजुअल जो है वो हो सकता है दोनों नो वी आर कैटेगरी में आता हो फॉर एग्जाम्पल बिलोंगिंग फ्रॉम शेड्यूल कास्ट कैटेगरी ठीक है वो शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन के लिए भी एलिजिबल हो गया और वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की डेफिनेशन में भी आता है जो उसका क्राइटेरिया है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन डिफाइन करने के लिए तो तो उसके लिए तो डबल रिजर्वेशन होगी उसके लिए तो डबल रिजर्वेशन होगी ना उसके लिए एससी वाली रिजर्वेशन भी होगी और ईडब्ल्यू रिजर्वेशन वाली रिजर्वेशन भी होगी लेकिन एक सौ थर्ड अमेंडमेंट एक्ट ने अब यहाँ पर क्या किया अब ये समझने की जरूरत है अमेंडमेंट एक एक्ट ने क्या बोला कि भैया अगर एक पर्सन ऑलरेडी एक पर्टिकुलर वर्टिकल रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल है फॉर एग्जाम्पल आपको एस सी एस टी या ओबीसी कैटेगरी के अंदर ऑलरेडी रिजर्वेशन मिल रही है तो फिर आप ई डब्ल्यू एस रिजर्वेशन की कैटेगरी से बाहर हो जाओगे ऑटोमेटिकली भले ही आपकी आप इकोनॉमिकली वीकर हो बट फिर भी आप बाहर हो जाओगे क्योंकि आपको ऑलरेडी

तो आप सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्टिकल कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो या तो आप एससी एस टी ओबीसी कैटेगरी के लिए रख लो या आप ईडब्लू कैटेगरी के लिए रख दिस वॉज अबाउट द वन हंड्रेड अमेंडमेंट ठीक है जी अब एक बार दोबारा से अगर मैं आपको क्वेश्चन के ऊपर ले चलो तो क्वेश्चन क्या था पहला स्टेटमेंट क्या था कि भैया हंड्रेड एंड थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनलेंट एक्ट ओपन द वर्टिकल रिजर्वेशन टू ग्रुप्स दैट आर नॉट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ टर्मसडेटरी सोशल ग्रुप आइडेंटिटी बिल्कुल सही ई डब्ल्यू एस ले आए हम ये सोशल ग्रुप हेरिडेटरी से डिफाइंड नहीं है पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया दूसरा कहता है कि एक्सो थर्ड अमेंडमेंट एक्ट में एक्सप्लिस रिमूव इंडिविजुअल्स फ्रॉम एस सी एस टी एंड ओबीसी फ्रॉम द स्कोप ऑफ ई डब्ल्यू एस रिजर्वेशन ये भी बिल्कुल सही है जो एस सी एस टी ओ बी रिजर्वेशन ऑलरेडी मिल रही है हमने बोला ना कि हम एक ही कैटेगरी में आपको रिजर्वेशन देंगे तो, तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया ऑप्शन थ्री गलत है क्योंकि जो वुमेन पीडब्ल्यू डी या डोमिसाइल को आप रिजर्वेशन देते हो वो वर्टिकल नहीं वो हॉरिजोंटल रिजर्वेशन हो ठीक है क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे सेवेंथ क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है विच क्रिकेट स्टेडियम वॉन टीम वॉन सईद मुश्ताक अली टी ट्वेंटी ट्रॉफी ट्वेंटी ट्वेंटी टू फॉर द फर्स्ट टाइम तमिलनाडु क्रिकेट टीम कर्नाटका मुंबई राजस्थान करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मुंबई ठीक है मुंबई क्रिकेट टीम और इन्होंने हिमाचल प्रदेश को हराया था इतना याद रख लेना बस बहुत है कोलकाता के अंदर मैच हुआ एथ क्वेश्चन स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी से रिलेटेड है uh, पहला स्टेटमेंट कहता है कि ये सेंट कबीरदास का स्टैचू है और इसको लुधियाना पंजाब में बनाया गया है ठीक है दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के हिसाब से ये दुनिया का पहला और टॉलेस्ट ब्रॉन्ज स्टैचू है ऑफ अ फाउंडर ऑफ अ सिटी एक पर्टिकुलर सिटी के फाउंडर से रिलेटेड टॉलेस्ट और फर्स्ट ब्रॉन्ज स्टैचू है तो क्या सेंट कबीर अब अगर ये स्टेटमेंट सही है तो ये इसका मतलब ये भी होना चाहिए कि लुधियाना की फाउंडेशन सेंट कबीर ने की थी ठीक है तभी वहां पर बनाया होगा ना तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों दैट इज ऑप्शन डी टू ओनली पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसको बनाया गया है बेंगलुरु के अंदर तो इस पर्टिकुलर स्टैचू को तो देखते हैं और किसका स्टैचू है वो भी देखते हैं स्टेचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी या जिसको प्रगति प्रतिमा भी बोला गया है दिस इज फॉर नाडा प्रभु हिरिया केम्पे गौड़ा ऑल्सो नोन एज कैंपे गौडा जो विजयनगर एम्पायर के अंदर एक शिफ्टिंग थे एंड फाउंडर ऑफ बेंगलुरु इनको बोला जाता है 108 सौ आठ फीट लंबा ये स्टेचू uh, है एंड कैंपे गौडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर इसको बनाया गया है और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के हिसाब से ये किसी भी सिटी के फाउंडर का सबसे बड़ा और सबसे पहला ब्रॉन्स स्टैचू है ठीक है सो दिस इज नॉट फॉर सेंट कबीर याद रखेंगे नाइन्थ क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू प्रोविजनल स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट ट्वेंटी ट्वेंटी टू वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रिलीज किया है uh, इसको बायुअली रिलीज किया जाता है और करंट स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन द वर्ल्ड के ऊपर ये हाईलाइट देता है करेक्ट बताना है आपको कौन सा correct answer है करेक्ट आंसर है दोस्तों ए वन ओनली ठीक है पहला स्टेटमेंट सिर्फ करेक्ट है देखो, रिलीज तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ही करता है लेकिन ये वो बिल्कुल सही है इससे जो नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स आने वाले ना करंट अफेयर्स के दो तीन लेक्चर्स के अंदर एक लेक्चर के अंदर तो मैं आपको सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो जो रिपोर्ट निकालती है वो कराऊंगा बिल्कुल फैक्चुअल लेक्चर होगा लेकिन काफी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि डायरेक्टली वो पूछता है कौन सी रिपोर्ट कौन देता है तो मैं आपको कराऊंगा जो भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं एक के अंदर इंटरनेशनल कराऊंगा एक के अंदर इंडिया की कराऊंगा और फिर हम एक दो लेक्चर्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स की कुछ फाइंडिंग्स हैं अगर जो जो फाइंडिंग है वो हम करेंगे तो आने वाले दो तीन चार लेक्चर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं करंट अफेयर्स वाले लास्ट क्वेश्चन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स डॉट ऑटोनोमस बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन सुपर कंप्यूटर्स बनाता है, के इसने को रिप्लेस है, कौन है? देखो थर्ड स्टेटमेंट तो मुझे देखते ही इनकरेक्ट पता चल रहा है ठीक है क्योंकि सी डेक को किसी ने रिप्लेस नहीं किया सीडेक है, है तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है और अपने से गलत ही पूछा है तो ए तो नहीं हो सकता इसका आंसर अब अपने को वन और टू में से पता होना चाहिए तो करेक्ट आंसर दोस्तों इसका होगा ऑप्शन डी वन टू थ्री तीन स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट है।, तो में, में है ये एज अ सोसाइटी रजिस्टर्ड है एंड रजिस्टर्ड पब्लिक फंडेड रिसर्च इंस्टीट्यूशन है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नो साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंदर आता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नॉट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकोम्युनिकेशन इसलिए आपका जो स्टेटमेंट uh, है statement ठीक है उसके बाद इसका जो काम है बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि हम 5G जी इक्विपमेंट बनाएंगे इंडिया के अंदर जितनी भी 5G जी इक्विपमेंट्स है उसको कम्पलीटली इंडिया के अंदर बनाएंगे क्योंकि अभी इंडिया के अंदर जो भी 5G जी इक्विपमेंट्स वगैरह आती है ना वो हिवाई वगैरह जो चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं उससे आती है और उससे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट वगैरह रहता है ठीक है तो वो काम करने का इसको मिला है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स को कोयर का अलग ऑर्गेनाइजेशन है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी मीटी के अंडर आता है ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है? और ये सुपर कंप्यूटर्स बनाने का लेक्चर्स तो बना so नहीं आ पाए नॉट वरी एंड जस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ गाइज जैसे मेरी हेल्थ खराब हो गई थी लास्ट के टाइम में और मैं वीडियो नहीं दे पाया वैसे आपकी हेल्थ के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए अब अगले एक डेढ़ महीना घर का खाना खाओ बाहर का बिल्कुल मत खाओ मैंने मैंने सबसे बड़ी गलती ये की थी मैंने कुछ दिन बाहर का खाना बहुत खाया और जिसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई तो अल्टीमेटली घर का खाना खाओ जितना हो सके एंड बाहर का बिल्कुल अवॉइड करो पार्टीज में जाना हो शादी में जाना हो बाहर का मत खाओ अगर बहुत मजबूरी है जाना तो घर से खा के जाओ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में टेक केयर एंड बाय गाइस